आपका तो मैं ये समर्थक कार्यकर्ता हूँ। पलामू का नाम लेते ही लोगों को लग रहा था कि ये मतलब गुंडों का इलाका है, बदमाशों का इलाका है। देखिए ऐसा नहीं है, हम तो ऐसा कभी नहीं सुने हैं। पलामू के बारे जब भी सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला जो शब्द आता है वो सुखाड़ का आता है। और हमने देखा भी बड़ी बड़ी नदियां आपकी दिखी या दामोदर से चोरी नदियां दिखी, लेकिन वहां जल का स्रोत ही नहीं है। तो भले लोगों की नजरिया क्या है पलामू को देखने का, लेकिन मैंने जो पलामू को देखा और समझा वो सुखाड़ आता है। और पलामू कृषि प्रधान क्षेत्र दिख रहा है, अगर सुखाड़ की समस्या से हम लोग निजात पा लें, अभी बारिश का मौसम आने वाला है, अगर लोगों को प्रेरित करते हैं, अगर सरकार सपोर्ट करती है और उस बारिश के जल का संरक्षण किया जाए तो पलामू की स्थिति को हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। क्या तैयार है पलामू? हाँ देखिए, पलामू की धरती में तो पहली बार कदम रखे हैं और यहाँ सबसे पहले हमारे जो साथी हैं, हमारे जो संगठन के साथी हैं, उनसे यहाँ के जो विषय हैं उन पर बातचीत होंगी। उसके बाद उस आधार पे हम लोग यहाँ के लिए तैयारी शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो प्रेम हम लोग को उत्तरी छोटानागपुर में मिला, जो प्रेम और स्नेह हम लोग को दक्षिणी छोटानागपुर और कोल्हान प्रमंडल मिला है, ठीक उसी प्रकार का हम लोग को समर्पण पलामू प्रमंडल में भी मिले। इसी आशा के साथ और इसी उम्मीद के साथ मैं धनबाद से यहाँ तक चलकर आया हूँ। पहली बार इस प्रमंडल में आए हुए, इसके लिए क्या है? प्रमंडल में पहले आया हूँ, लातेहार जिला में हम लोग दो कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन अगर जिले की बात करूँ तो मैं पलामू जिला पहली बार आया हूँ और उम्मीद करते हैं कि पहली बार ही यादगार हो। सर चुनाव भी लड़ने की तैयारी है यहाँ से? हाँ बिल्कुल, पलामू प्रमंडल से। क्या मुद्दा होगा सर? देखिए विधानसभा में जो सबसे पहला मुद्दा होगा, जो आज तक झारखंड वासी जिस मुद्दे से वंचित है, आज जितने भी भारत देश में राज्य है उन राज्यों की अपनी एक पहचान है, अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक सीमा है, लेकिन हमारे राज्य की कोई सीमा नहीं, पहचान नहीं, जिस कारण आज लगातार यहाँ के हर एक तबका हर एक वर्ग चला जा रहा है। हमारा विधानसभा का जो पहला मुद्दा होगा एक साफ स्पष्ट और एक मजबूत स्थान नीति बनाने का मुद्दा रहेगा, ताकि इस राज्य के मूल निवासी कौन है, झारखंड में झारखंडी कौन है, उसकी पहचान हो। स्थानीय नीति की बात होती है, पलामू के इलाके के लिए अलग स्थानीय नीति बन जाती है, चाहे जिनकी भी सरकार हो, अलग यहाँ का स्थानीय भोजपुरी हो, मगही हो, इलाके में बहुल इलाका है, बावजूद उनकी उपेक्षा की जा रही है, तो क्या इस इलाके की? देखिए सबसे पहली बात है, झारखंड विविधताओं का राज्य है, अपनी अलग अलग प्रकार की परंपरा है, शैली है, तो उस हिसाब से उस विविधता को हमें समेट कर एक बेहतर पुख्ता स्थान नीति बनाने की आवश्यकता है। और बहुत ऐसे राज्य हैं, अगर आप पूर्वोत्तर भारत में चले जाए तो वहाँ बहुत सारे ऐसे कानून है जो राज्य में नहीं जिलों में अप्लाई होते हैं, चूंकि विविधता है, तो ठीक उसी प्रकार जब झारखंड के लिए स्थान नीति की बात करेंगे तो आपको उस विविधता का ख्याल रखना होगा और उस विविधता को ही आधार मानकर उसमें सामंजस्य बैठाते हुए आपको इस राज्य की स्थानीय नीति को तय करना होगा। दादा आपको अगर प्रभार दिया जाता है राज्य चलाने का, सबसे पहला मुद्दा आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? देखिए सबसे पहले का स्थानीय बेहतर स्थानीय नीति बनाकर जो युवा, चूंकि हम युवाओं के बीच से आए हैं तो युवाओं का जो फ्री एंड फेयर एग्जाम है उस पर हम लोग बात करेंगे, नियमित जो परीक्षाएं ली जाएंगी उस पर हम लोग काम करेंगे। दादा एक क्वेश्चन।